स्टेट पेंशनर एसोसिएशन की ओर से रोष प्रदर्शन का आयोजन प्रधान नरेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्हें पिछले 4 महीने से पेंशन सरकार की ओर से नहीं मिली है, जबकि आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के कारण उनका जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द पेंशन का हल करे। पिछले 4 महीने तो सदे पेंशन के पंचायती राज जिला परिषद है, पिछले 4 महीने तो पेंशन नहीं दी जा रही। उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने लेवल देते, उन्होंने जथेबंदी करने के मुजाहरे किए, उन्होंने संबंधित मंत्री थे प्रवीण बाजवा जी ने उन्होंने आश्वासन दिए कि बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे, पर नहीं की गई। अब इसी इस मांग में 4 महीने नहीं मिली, इस मांग में लैके समुचे पंजाब का जो जॉइंट फंड है, जोड़ा पेंशन का जॉइंट फंड, पेंशन मुलाजमान का जोड़ा जॉइंट फंड, असी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के सारे पेंशन की जो उस प्लेटफॉर्म से लैके चले हैं इस मांग में, ताकि इस मांग में ज़्यादा वजन के नाल उठाया जा सके, सरकार के साथ पाया जा सके। और 4 महीने तो जिन्हों लोगों ये 30-35 साल की सेवा करने तो बाद रिटायरमेंट तो बाद पेंशन मिली से नहीं मिल रही, असं उतों पेंशन रिलीज करा सकी। अज बेरोजगारी इन्नी सिफर से है कि कुछ साढ़े परिवार, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा गिनती के परिवार ऐसे परिवार ने जोड़े वो पेंशनर जो साढ़े रिटायरी उन्होंने पेंशनों के उत्ते ही निर्भर करते हैं। अज इन्नी मुश्किल हो गई है कि उन्होंने चलाना परिवारों को वक्री गल है, उन्होंने अपनी दुआदरू जी है उन्होंने को रही, और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन के जोड़े पेंशनर्स ने वो इस वे पे ने, तो सरकार को असं अपील करने हैं कि सरकार इमीजिएटली उन्होंने 4 महीने की पेंशन जो रिलीज करे, ताकि अपनी सेहत के नाल चेक करा जो त्याग कर सके।